सब बढ़िया से एकदम तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, सब लोग निकलने के लिए रेडी हैं। क्या आप सब रेडी हैं निकलने के लिए? रेडी हैं? ये हमारा टपोरी लड्डू और ये हमारा सबका सामान रेडी है, तो चलिए चलते हैं अब आगे। तो हम लोग तो तैयार हैं, एक बार नैनो से ही पूछ लेते हैं, क्या रेडी है चलने के लिए? नैनो, आर यू रेडी? लो जी, इसने सिग्नल दे दिया कि ये भी रेडी है। तो हमने सफ़र अपना कर दिया है शुरू, और इसका किलोमीटर मैंने कर दिया है 0, प्लस जो फ्यूल है वो भी फुल कर लिया। अब आगे चल के जब ख़त्म होगा तो इसका फ्यूल फुल करा देंगे, उसके बाद में उससे पता चल जाएगा हमें कि इसका कितना एवरेज आ रहा है। बाकी हम सब लोग हैं, आराम से बैठ गए कंफर्टेबली, सब कंफर्टेबल हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी लंबे टाइम के बाद दूसरी वीडियो आई है, होप आप लोग मज़े में होंगे, मैं भी मज़े में हूँ। और हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। वैसे तो हमारा जो टूर है वो कंप्लीट हमारा ऋषिकेश और शिवपुरी भी कवर करेगा, बट इस वीडियो में मैं आपको खाली हरिद्वार तक का ही सफ़र दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो का जो मेन मोटो है वो इस चीज़ को लेके है कि रोड्स कैसी हैं, टोल्स क्या क्या हिसाब किताब है, एंट्री के टाइम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो यही सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आप निकले तो प्लीज़ वेदर एक बार चेक कर लेना गूगल में, क्योंकि मैंने भी चेक करा था, वो हल्की बारिश दिखा रहा था और मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था गूगल पे कि बारिश होगी, क्योंकि वो अक्सर दिखाता है बट होती नहीं है। हमें पूरे रास्ते बारिश मिली है और अच्छी खासी बारिश मिली है, जिसकी वजह से रास्ते में थोड़ी सी मुश्किल भी हुई और मौसम सुहाना भी हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। एक तो रास्ता इतना अच्छा है और गाड़ी इतनी मतलब उम्मीद नहीं थी कि 5 लोग बैठ के चल रहे हैं और ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है ना, 5 लोग के बैठने के बाद भी ये 99 जा रही है। कोई ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत ज़्यादा उसमें अफर्ट करने पड़ रहे हैं, बड़ी स्मूथली 99 के तक जा रही है। बात करते हैं सड़कों की, सड़कें बहुत अच्छी हैं, काफ़ी मज़ा आया गाड़ी चलाने में। और मेरा जो टोटल टोल लगा है वो लगा है 135 का, एक जगह 85 और एक जगह 50। अभी जो हम रुके हैं एक ढाबे पे और गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है यार, इतनी मतलब उम्मीद नहीं थी इससे, बहुत जल्दी लेके आ गई है हमें। और ये ढाबा है, यहाँ पर हम लोग रुक रहे हैं चाय नाश्ते के लिए। तो गाइज, मेरी गाड़ी में फास्टैग भी नहीं लगा था, क्योंकि जब से मैंने ली थी तब से कहीं लंबा निकले नहीं थे, तो इस वजह से फास्टैग भी नहीं लगवा रखा था। तो इस सफ़र के दौरान मैंने अपनी गाड़ी में फास्टैग भी लगवा लिया, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू लगा है, और मैंने इसके लिए 300 रुपये दिए थे, जिसमें मेरे को 200 रुपये का बैलेंस उसमें मिला है। और टोटल टोल मैंने दिया है 135 रुपीज़ का, जिसमें से एक जगह 85 लगा था और एक जगह 50 लगा था। तो अब बात करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सबको डाउट है, किसी को कुछ क्लियर नहीं है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो जो मेरा लाइव एक्सपीरियंस रहा है हरिद्वार में, मतलब उत्तराखंड में एंट्री को लेके, वो ये रहा है कि कहीं पे भी कोई चेकिंग नहीं हुई थी और किसी ने कोई कोविड रिपोर्ट या आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कुछ नहीं मेरे को मांगा। और बड़े आराम से हम जैसे दिल्ली से यूपी में घुसे थे, वैसे यूपी से उत्तराखंड में गए हैं। तो कोविड को लेके भी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी मास्क लगा के रखना है और अपना जितनी सेफ्टी हो सके डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपनी नैनो के बारे में कि नैनो को लेके कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 5 लोग अगर बैठ के जाएंगे इसमें तो ये इतना अच्छे से परफॉर्म करेगी। इसने मुझे जो स्पीड दी है वो 90-95 की दी है, हालांकि मैं थोड़ा और पुश करता तो ये 100-105 तक भी चली जाती, बट मैंने पुश नहीं किया, स्मूथली 90-95 जा रही थी। और टोटल हमारा जो टूर था वो 650 किलोमीटर का है, और जिसमें मैंने 4000 का इसमें तेल डलवाया, जिसमें कि दिल्ली से भी डलवाया था और उत्तराखंड से भी डलवाया था। तो यहाँ पे कुछ 106 रुपये समथिंग है और वहाँ पे 101 रुपये समथिंग है उत्तराखंड में। तो टोटल अगर एवरेज निकाला जाए तो वही 104 या 103 रुपये समथिंग का पड़ा होगा तेल। तो उसके हिसाब से ये 650 किलोमीटर चली है, और जिसमें लास्ट में इसमें कुछ बच भी गया था, तो कह सकते हैं कि 3500 का तेल मेरा लगा है 650 किलोमीटर में। तो इसने तकरीबन दे दिया है 19 से 20 का एवरेज, जिसमें कि जाते टाइम बीच बीच में एसी चला था
और आते टाइम कंप्लीट इसमें एसी चल रहा था, क्योंकि आते टाइम हमें उत्तराखंड से लेके दिल्ली तक फुल धूप मिली थी, कोई बारिश नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो उसमें कंप्लीट एसी चला था उत्तराखंड से दिल्ली तक। तो एवरेज अच्छा दे दिया इसने, 20 का एवरेज। गाड़ी को रोड पे चलाने में मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं आया कि जो है अंडर पावर कार है, बाकियों के कंपैरिजन में ही चली है। हाँ, कुछ गाड़ियाँ थी जो 100 प्लस चल रही थी तो उन्होंने ओवरटेक करा, बाकी ओवरऑल इसने सबको कॉम्पिटिटिव करा है, कहीं पीछे नहीं रही है। अपने साइज़ के हिसाब से, अपने इंजन के हिसाब से इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और अगर बात की जाए कि उत्तराखंड में भी इसने जो पहाड़ियों पर हम चढ़े हैं, तो कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ मेरे को कि इसने जो है अंडर पावर परफॉर्मेंस किया है। सारी जगह बड़े आराम से चढ़ी है, कहीं अटकी नहीं है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा अपनी नैनो के साथ। और ये तो एक छोटा सा ही ट्रिप था, अब आगे चल के कोशिश करेंगे हम कि और लंबे लंबे भी ट्रिप करें इससे, क्योंकि मेरे को एक बार देखना था कि कैसा परफॉर्मेंस है इसका, क्योंकि हम पहले एक बार गांव में लेके गए थे इसको, तो वो उतना लंबा नहीं था और प्लस रोड वैसी नहीं कह सकते, और हिल्स में एक बार चलाने का एक्सपीरियंस मिल गया। तो अब गाड़ी पे आ चुका है फुल कॉन्फिडेंस, इसे अब हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो गाइज आ चुका है हरिद्वार, और रास्ते जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, एक भी जगह हमें रास्ता ख़राब नहीं मिला है। हमारा काफ़ी टाइम बचा है, जो मतलब पहले लगभग आधा दिन लग जाता था जाने में, अब जो है ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छा है सब कुछ, फटाफट पहुँच जाते हैं। ऑलमोस्ट हमें 4-4.5 घंटे में हमें हरिद्वार पहुँच गए थे, जिसमें कि पहले काफ़ी टाइम लगता था। तो होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।